How will you convert the ethanol into the following compound? First, ethanol to butane-1,3-diol. So first of all, draw the structure of reactant and product. So ethanol means CH3 bond CHO. You have to produce butane-1,3-diol. Bute means how many carbon? 4 carbon. CH3 bond. Butane-1,3-diol. 1,3-diol. Then CH bond. CH2 bond. CH2 bond OH. तो सबसे पहले जब भी कन्वर्जन पूछे ना, तो जो आपको जिसमें से बनाना है वो, और आपके पास जो प्रोडक्ट लाना है उसका स्ट्रक्चर लिख लेना, तब आपको पता चले कि मुझे क्या काम करना है। डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर का नंबर असाइन करो, तो यहाँ 1, फिर इसका नंबर 2, ये सेकेंड कार्बन, ओके, देन 3 एंड देन 4। अब कौन कौन सी पोजिशन पर OH ग्रुप है, तो यहाँ पर बताया आपको कि कौन कौन सी जगह पर OH ग्रुप लेना है आपको। तो फर्स्ट एंड थर्ड तो है आपके पास, तो है फर्स्ट एंड थर्ड पर OH ग्रुप, तो हो गया। इसी को आपको काम करना है, इसके ऊपर वर्क करना है, ये बनाना है। तो सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि कभी भी आपके पास 2 कार्बन हो और 4 कार्बन हो गए, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो, तो समझो कि उसके लिए आपको ये जो प्रेजेंट हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़े, तो आल्डोल कंडेंसेशन आपको करना है, बराबर। तो अब आप आल्डोल कंडेंसेशन करने जा रहे हो, वो समझो कैसे करोगे। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन करेंगे वापस CH3CHO, ओके, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो अल्कली इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, ओके। बोलो प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, प्रोडक्ट क्या आएगा? तो आपके पास अल्फा कार्बन, कौन सा कार्बन अल्फा होगा, तो ये कार्बन आपका अल्फा, इसका जो हाइड्रोजन होगा वो कहां पर अटैच होगा, तो हाइड्रोजन आप जोड़ लो ऑक्सीजन के पास, बराबर, और बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप कार्बन के साथ अटैच करो, तो आपको प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, बोलो कैसे लिखोगे आप, तो CH3 देन CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO, ओके। तो अब यहां पर नीचे जो होगा वो आपका OH आ जाएगा, यहां पर OH लिखना आपका बाकी है, ये OH आ गया, ओके। अब आपको समझना है कि भाई मेरे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर है, तो अब मुझे ये स्ट्रक्चर लाना है, तो आप देख सकते हो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने के लिए कौन सा रिएक्शन, बोलो, रिडक्शन करवानो, NaBH4, पहले ये बोलो, हाँ रिडक्शन करना है कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन किसके प्रेजेंस में करूं मैं, बोलो NaBH4, सही है, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्रेट ले लो, H2 पैलेडियम लो, तो रिडक्शन करोगे तो आपका ये अल्कोहल बन जाएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड करो सॉल्व, सेकेंड आपको करना है इथेनॉल, तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CHO, से लाना है ब्यूट टू इनॉल का स्ट्रक्चर, तो ब्यूट टू इनॉल का स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO ब्यूट टू इनॉल, बराबर। बोलो तो सबसे पहले आपको इथेनॉल के साथ ही आल्डोल, अब समझ में आना चाहिए कि 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन हुआ उसका मतलब आपको आल्डोल कंडेंसेशन करना है, तो रिएक्शन होगा CH3CHO के साथ रिएक्शन। अब कौन कहां जाएगा उसको आपको लिखना पड़ेगा, तो ये अल्फा हाइड्रोजन,
अल्फा हाइड्रोजन आपका कनेक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ और कार्बन कनेक्ट होगा कार्बन के साथ। तो इसको आपको जब लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, वापस डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH। बराबर। चलो अब रिएक्शन कैसे होगा, तो CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2CHO। अब नीचे आप एरो करके OH, तो यहां आपका हो जाएगा OH। अब इसका रिएक्शन आपको क्या करना है, आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हीट हाइड्रोलिसिस, हीट करो और उससे वह H2O निकल जाएगा, माइनस H2O। तो यहां से जाएगा OH और यहां से जाएगा H, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। ये आपका सेकेंड हो गया। चलो करो जल्दी, फर्स्ट और सेकेंड आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया।